इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज जिस मौजू पर बोलना जरूरी है यह है कोरोना वैक्सीनेशन के बाद खून के थक्के यानी कि खून की गांठियां होने की वारदातों के बाद मामला और भी संगीन बनता जा रहा है। हासिल इत्तला के मुताबिक ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनिका वैक्सीन लगाने के बाद दिमाग में खून की गांठियां होने की बात सामने आई है। वैक्सीन लेने के बाद कई लोगों में सेरेब्रल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस सीवीएसटी यानी दिमाग के बाहरी सतह पर ड्यूरामेटर की परतों के बीच मौजूदा नसों में खून के थक्के देखे गए। ऐसे कुछ मामले सामने आने के बाद जर्मनी समेत फ्रांस और कनाडा ने एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन पर वक्ती पाबंदी लगा दी गई है। हॉपकिंस मेडिसिन के मुताबिक वैक्सीन लेने के बाद दिमाग की नसें फट सकती है जिससे हल्का खून बहकर गांठियां हो सकती है जिससे इंसान की मौत भी हो सकती है और अक्सर इसे ब्रेन हेमरेज भी कहा जाता है। लिहाजा यह तमाम बातें बीबीसी की रिपोर्ट से ली गई है। अब यह बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम उमूमन अगर कुछ बातें बताते हैं तो लोगों में सवाल उठाए जाते हैं कि इत्तेहाद न्यूज को यह तमाम बातें कैसे मालूम हो गई। लिहाजा इतना जरूर समझे कि इत्तेहाद न्यूज अपनी तरफ से कुछ कहानियां बनाकर पेश नहीं करता बल्कि मसले पर बात करने से पहले दिगर मीडिया में भी इस पर क्या तबसरा हो रहा है इसकी पड़ताल के बाद ही कुछ कहने की कोशिश करते हैं। खासकर हमारे माशरे में अगर उर्दू मीडिया की बात की जाए तो अगर खबर बता दी जाए उर्दू मीडिया के जरिए से तो इस पर फौरन भरोसा नहीं किया जाता। अब जहन ऐसा बन चुका है कि जब तक कोई अंग्रेज न्यूज चैनल इन्हें नहीं बताता तब तक इसे सही नहीं माना जाता। किसी बड़े न्यूज चैनल की दलील पेश नहीं की जाती तब तक एतमाद नहीं करते। खैर एक बार फिर वैक्सीन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये भी बात अहम है कि अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो इसका नतीजा फौरी तौर पर नहीं होता बल्कि कुछ महीने के बाद होता है। इसके असरात नजर आने शुरू हो जाते हैं। सीबीएसटी की वजह से खून की नसें फट सकती है जिससे दिमाग में खून लीक हो सकता है जिसे ब्रेन हेमरेज का खतरा हो सकता है। कई मुल्कों में वैक्सीन लेने पर रोक लगा दी गई है। थाईलैंड में खून की गांठियां होने की शिकायत के बाद वैक्सीन के इस्तेमाल को फिलहाल रोक दिया गया है। एस्ट्राजेनेका कंपनी की वैक्सीनेशन ही दरअसल भारत की कोवैक्सीन है। हालांकि यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ईएमए ने ऐसी किसी भी स्थिति पैदा होने से इनकार किया है। यूरोपियन वैक्सीन डाटा सेफ्टी वालों ने भी कहा कि जो बात उमूमन कही जा रही है कि खून की गांठियां का इसका इनकार नहीं किया जा सकता। थाईलैंड ने यह एकदम इसलिए भी किया कि क्योंकि थाईलैंड में इस पर भी पाबंदी लाई गई है। थाईलैंड के वजीर आजम पहले खुद लगवाने वाले थे। इसके बाद पूरे मुल्क में वैक्सीनेशन शुरू होने वाला था पर जब वैक्सीनेशन से खून की गांठियों का मामला सामने आ रहा है इस पर रोक लगा दी गई। फिलहाल इस पर तहकीक जारी है कि खून की गांठियां दिमाग में क्या महज वैक्सीन से ही हो रही है फिर महज इत्तफाक है। लिहाजा दुनिया में बढ़ते कोरोना मरीजों के मद्देनजर वैक्सीन पर सवाल उठाना शुरू हुआ है। कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के बाद दिमाग में खून की गांठियों के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पूर्व डेनमार्क नॉर्वे आइसलैंड जर्मनी इटली ऑस्ट्रिया समेत कई यूरोपियन देश में अपने यहाँ इस वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगा चुके हैं। इसके साथ ही एस्टोनिया लातविया लिथुआनिया और लग्जमबर्ग ने भी वैक्सीन के उन बैच पर रोक लगा दी है जिसे ऑस्ट्रिया ने अपने यहाँ रोक लगा दी। इन यूरोपियन देशों के अलावा कुछ खबरों में यह भी दावा किया गया है कि दक्षिण कोरिया में इस वैक्सीन को लेने के बाद दो लोगों की मौत हो गई है लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने वैक्सीन जारी रखा है। जर्मनी के पॉल आर्चिज इंस्टीट्यूट ने कहा है कि वैक्सीनेशन के बाद कुल 31 मामलों में खून की गांठियों की शिकायत दर्ज की गई जिसमें 9 लोगों की मौत हो चुकी है उसका भी जिक्र उन्होंने किया। वाज़ा रहे कि ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को ही भारत में कोवैक्सीन या कोविशील्ड कहा जाता है जो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में बनाया जाता है। भारत में भी कई मामले इस तरह के पाए जा रहे हैं पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ने कहा है कि खामखा डरने की कोई जरूरत नहीं है। यकीनन कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं पर इसी से खून की गांठियां होती है इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। आगे डॉक्टर राठी कहते हैं कि अगर है भी तो यह बहुत मामूली बात है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर जुगल किशोर का कहना है कि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आलमी सेहत तंजीम यानी WHO का कहना है कि वैक्सीन पूरी तरह से महफूज है, डरने की कोई बात नहीं है। जो भी हो एक तरफ बढ़ते कोरोना मरीजों की खबर तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन के बाद की खबरों को लेकर आवाम परेशानी में मुब्तला जाए। एक तरफ फिर से दुनिया में लॉकडाउन की तैयारियां, भारत में कुछ रियासतों में रात का कर्फ्यू कहने का मतलब
क्या इंसानों को किसी दूसरे मामले मसरूफ रखने की या दुनिया को गरीब बनाने की आलमी साजिश तो नहीं है? ऐसा सवाल भी आवाम की जानिब से किया जा रहा है, अगर वैक्सीन बनने के बाद उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इंडो वियतनाम मेडिकल रिसर्च ने तो इसे आलमी साजिश कहते हुए कोरोना से लेकर वैक्सीन तक सभी गलत साबित किया है। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा है कि मुल्क को गरीब बनाया जाए ताकि इन पर हुकूमत आसानी से कर सकते हैं। अगर आवाम को दो वक्त की रोटी ही मुश्किल से मिलने लगेगी तो तीसरी बात सोचने के लिए वक्त कहां से रहेगा? विदेशों में भी लॉकडाउन के साथ वैक्सीनेशन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कई जगहों पर वैक्सीनेशन पर एहतजाज भी किया गया, रैलियां निकाली गई। भारत सरकार ने बार बार अफवाह पर ध्यान ना देते हुए वैक्सीनेशन पर जोर देना शुरू किया है। कुछ ने तो वैक्सीनेशन को बढ़ती आबादी पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। सवाल तो काफी है, वैक्सीनेशन के बाद भी पॉजिटिव मरीज क्यों पाए जा रहे हैं? वैक्सीनेशन पर जबरदस्ती क्यों, जबकि पहले अपनी मर्जी हो तो टीका लगाए की बात कही जा रही थी? सियासी इजलासों में कोरोना क्यों नहीं जाता? लाखों की भीड़, कोरोना गाइडलाइन पर अमल नहीं किया जाता, पर मस्जिद मंदिर जिम पर जहां बहुत ही कम तादाद में लोग होते हैं इन्हें क्यों बंद किया जा रहा? आखिर रात में ही कोरोना क्यों आता है? अब इस बात पर भी बहस छिड़ गई है। रात का कर्फ्यू और कोरोना वायरस का क्या ताल्लुक है? इस पर डॉक्टर संजय राय ने कहा कि कोरोना वायरस पर काबू पाने का नाइट कर्फ्यू का अजीब फैसला है, ये केवल बताता है कि सरकारें आवाम की फिक्र कर रही है और सरकार कुछ न कुछ करती हुई दिखाना चाह रही है, ये केवल जनता के आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। इस पर कई सारे माहिरीन ने अपनी राय दी है। बीबीसी के एक रिपोर्ट में कुछ लोगों ने अपनी राय को न छपवाने की बात पर कहा कि अब तक ये किसी को भी मालूम नहीं कि रात का कर्फ्यू क्यों लगाया जाता है, जबकि महज 10% से भी कम लोग सड़कों पर रात में रहते हैं। अगर बार, होटल्स, क्लब, डांस बार वगैरह इसकी दलील दी जा रही है तो इन्हें क्यों बंद नहीं किया जा, पूरे आवाम को ही घरों में बैठने के लिए क्यों कहा जा रहा है? क्या जरूरत है? लिहाजा इतना जरूर मालूम हुआ है कि रात का कर्फ्यू और कोरोना का किस जन्म का संबंध है अभी तक किसी को भी मालूम नहीं हुआ है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।